हेलो फ्रेंड, मैं शिशिर शर्मा 9+ ईयर एक्सपीरियंस डेवलपर हूँ। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रिएक्ट जेएस का 23 ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हम फाइल अपलोड पे काम करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे सामने रिएक्ट ऐप ओपन है और जो कि ब्राउज़र पे चल भी रहा है। ये वही रिएक्ट ऐप है जिस पे मैंने इससे पिछली वाली वीडियो पे काम किया था। तो इससे पिछले मैंने जो वीडियो बनाई थी, मतलब वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने कर्ड ऑपरेशन को कम्प्लीट किया था। मतलब किसी वीडियो में मैंने यूज़र का रजिस्ट्रेशन करना बताया था, तो किसी में मैंने लिस्टिंग करना बताई थी, किसी में व्यू बताया था, एडिट बताया था, डिलीट बताया था। तो इस तरीके से मैंने कर्ड ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया था। बट आज की वीडियो में मैं इसमें एक इमेज का ऑप्शन और डालता हूँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आया था कि इसमें एक फाइल अपलोड का ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो फाइल अपलोड का मतलब है कि मैं रजिस्टर पे जाऊंगा, यहाँ पे एक फाइल अपलोड का ऑप्शन दूंगा जिसमें मैं यूज़र की फ़ोटो मतलब डाल सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, अपनी पहले API को अपडेट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको API रन करके दिखाता हूँ। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि जब आप API पे काम करें तो सबसे पहले API को रन करके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं एक फ़ोटो वाला एक नया कॉलम मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पे मैं मतलब मैंने क्या किया है कि एक फ़ोटो वाला कॉलम ऐड कर दिया है और साथ में कुछ फ़ोटो भी डाल दी है डेटाबेस में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उन्हें फैच करूँगा। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर में जाके ऐड करूँगा इस कॉलम को, ताकि रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी इमेज आ सके और एडिट के थ्रू भी मैं अपडेट कर सकूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर इमेजेस को शो करते हैं जो हमारी API में पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे चार यूज़र हैं। चलिए, अब मैं अपने इस कंपोनेंट में चलता हूँ। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट रन हो रहा है मेरा, ये गेट यूज़र वाला कंपोनेंट मेरा रन हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, एक कॉलम बना लेता हूँ और इसमें लिख लेता हूँ इमेज। ठीक है, ये कॉलम बना लिया, सीरियल नंबर के बाद इमेज बना लिया और यहाँ पर मैं गया इमेज टैग बनाता हूँ SRC और साथ में ऐसा करता हूँ इमेज की एक बिट भी ले लेता हूँ 60x60, क्योंकि मुझे पता नहीं है मैंने कितनी बड़ी इमेज डाल दी है वहाँ पे, इसलिए मैं वरना फिर बड़ी इमेज होंगी तो बहुत बड़ा साइज आएगा, इसलिए मैंने साइज दे दिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इसको मुझे हटाना है, ऐसे लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे डॉट करूँगा यूज़र डॉट फोटो। ओके, यहाँ पे मुझे प्लस लगाना था, यूज़र डॉट फोटो, और यहाँ पे मुझे पाथ लिखना है, कुछ पाथ तो ये वाला रहेगा और इसके बाद अपलोड। ये देखिए, मेरे सामने इमेजेस डिस्प्ले हो गई हैं। अब मुझे ये रजिस्टर वाले में फ़ोटो का ऑप्शन ऐड करना है, मतलब यहाँ से मैं फॉर्म फिल करूँगा और यहाँ पे शो होना चाहिए। बट उसके लिए क्या है, सबसे पहले मैं अपनी API को चेक करूँगा पोस्टमैन में कि API के थ्रू रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ या नहीं, उसके बाद मैं रिएक्ट में करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं API को रन करूँगा। यहाँ पे मैं लूँगा पोस्ट, इसके लिए मैंने API बनाई हुई है, इंसर्ट डाटा, बॉडी में फॉर्म डाटा लेंगे, नेम कुछ भी लिख लेता हूँ, जो लिख दिया सपोज
नेम, ईमेल, और पासवर्ड भी है इसमें। कुछ भी डाल लो पासवर्ड, नेम इसमें पासवर्ड, फोन, फोन नंबर भी है, और सिटी हो गया, और फोटो। फोटो फोटो में यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे लेना पड़ेगा फाइल का ऑप्शन। यहाँ से मैं फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये इमेजेस हैं, चलो मैं यही डाल लेता हूँ, इसको सेंड कर देता हूँ। यहाँ क्या आया, रिस्पॉन्स रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पे कितने रिकॉर्ड दिखा रहा है, 4। अब मैं रिफ्रेश करूँगा इसे तो ये 5 हो जाएंगे, ये देखिए 5 हो गए। इसका मतलब हमारी एपीआई बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है। तो हम दो काम कर चुके हैं, पहले हमने डेटा को, इमेजेस को डिस्प्ले करा लिया, और एपीआई को भी चेक कर लिया। अब हमें क्या करना है, रजिस्टर वाले कंपोनेंट में पहुंचना है, और यहाँ पे कॉलम ऐड करना है, और यहाँ से जब हम सबमिट करेंगे तो वहाँ यहाँ पे रिकॉर्ड दिखना चाहिए, ठीक है। अब हम इस वाले पे चलते हैं, यूज़र रजिस्टर वाला कंपोनेंट, ये रहा कंपोनेंट, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दूंगा, ये है ना, यहीं पे एक ऑप्शन देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फोटो, लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, और अच्छा हाँ, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्टेट वेरिएबल बनाना होगा, ठीक है। मैं स्टेट वेरिएबल बना लेता हूँ, देखो मेरे पास जितनी भी फील्ड है ना, मैंने सबके लिए अलग अलग स्टेट वेरिएबल बना रखे हैं, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते थे, एक ही स्टेट वेरिएबल बनाते, ठीक है, और उसमें मतलब हम जेसन के थ्रू भी कर सकते थे। एक सेकंड को पहले मैं इसे लिख लेता हूँ, हाँ उसके बाद बताता हूँ। मतलब कहने का मतलब, मैंने इतने सारे स्टेट वेरिएबल बना रखे हैं ना, नेम का, ईमेल का, पासवर्ड का, फ़ोन का, सिटी का। हम ऐसा भी कर सकते थे, एक ही स्टेट वेरिएबल बनाते और उसके अंदर जैसे यूज स्टेट आ रहा है ना, ठीक है, वहाँ पे उसका जेसन में हम उन सारे वेरिएबल्स के नाम लिख सकते थे। बट मैं आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इजी तरीके से बताता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लर्निंग मोड में हैं तो हर एक चीज़ को, बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए। क्योंकि आजकल पता है मार्केट में क्या हो रहा है, बहुत से डेवलपर हैं, बहुत अच्छी कोडिंग कर लेते हैं, बट जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है, जैसे मान लीजिए उन्हें जॉब स्विच करनी है और इंटरव्यू देते हैं, तो वो बता नहीं पाते हैं। और बहुत से लोग होते हैं इंटरव्यू बहुत अच्छा क्लियर कर लेते हैं, बट उन्हें कोडिंग नहीं आती है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि जो बंदा इंटरव्यू लेता है वो आपसे कोडिंग नहीं करवा के देख पाता है एक बार में, वो तो आपसे पूछता है कि यूज स्टेट क्या होता है, ये ऐसा क्यों करते हैं, इस तरीके से तो आपसे पूछेगा। तो अगर आपसे पूछेगा यूज स्टेट क्या है, तो आपको केवल इतना बोलना होता है इंटरव्यू में, ये हुक है, ठीक है, ये किस लिए इन यूज़ किया जाता है, ये नेम क्या है, ये एक वेरिएबल है, ये क्या है, एक फंक्शन है। तो जब हमने यूज स्टेट को कॉल किया, ये हमने इसके अंदर स्ट्रिंग पास कर रखी है। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं और कॉम्प्लेक्स तरीके की कोडिंग कर सकता था, बट मैं इजी तरीके की कोडिंग करता हूँ, इसलिए करता हूँ ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सकें, ठीक है। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ, तो अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल दे दिया, अब मुझे क्या करना है, यहाँ नीचे जाना है, जैसे सारे वेरिएबल का कर रखा ना वैसे ही करूँगा।
तो ये मैंने कर लिया। देखिए अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सब में सेट फोन, सेट सिटी, इनको क्या बोलेंगे हम, फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, ऐसी सेट इमेज भी एक फंक्शन हो गया। ठीक है, बट देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स होगा और ये हो गया तरीका, बस इतना सा। चलिए अब हम अपने कोड को रन करके देखते हैं। ये सेव तो हो ही गया है। ओके, ओ ये गलती, अभी इसमें देखो, मैंने मुझे यहाँ पे फाइल लिखना था। अच्छा हाँ, अभी और भी रह गया इसमें, अभी काम क्या रह गया है इसमें, यहाँ पे भी मुझे ऐड करना है ना, ये भी नहीं किया मैंने, अभी फील्ड ऐड करनी है मुझे। फोटो, फोटो, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है, एक मैंने एक स्टेट वेरिएबल बनाया और यहाँ पे मैंने अपेंड कर दिया, और नीचे हमने उसका टाइप फाइल बना रखा था, बस इतना सा किया है। और अच्छा हाँ, यहाँ पे हमारी एपीआई का यूआरएल चेंज हो जाएगा। देखो इंसर्ट डाटा की है, देखो एपीआई जो है इंसर्ट डाटा डॉट पीएचपी है। ठीक है, अच्छा फोटो इज नॉट डिफाइंड, ओके ओके ओके, फोटो नॉट डिफाइंड इसलिए कह रहा है क्योंकि फोटो नाम का स्टेट वेरिएबल ही नहीं है, इमेज नाम का है। ये देखिए इसलिए एरर आ रही थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया है वो इमेज नाम का बनाया हुआ है और यहाँ पे मैं फोटो लिख रहा था। ठीक है चलो कोई, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हमारे पास इस समय कितने 5 रिकॉर्ड्स हैं। अब एक मैं नया रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, लिख लेता हूँ पूजा शर्मा, पूजा @gmail.com, पासवर्ड लिख लेता हूँ, सिटी लिख लेता हूँ, फोटो ले लेता हूँ। अब मेरे पास बहुत अच्छी इमेजेस तो है नहीं, चलो मैं इसी को ले लेता हूँ, इसी को, इसको सबमिट कर लेता हूँ। यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर, ठीक है। अब मैं लिस्ट यूज़र में आता हूँ, ये देखिए पूजा शर्मा नाम का एक रिकॉर्ड ऐड कर लिया मैंने। ठीक है, और कितना ज़रा सा कोडिंग किया था मैंने, बस एक मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स के ये कॉलम क्रिएट किया था, यहाँ पे सेट इमेज लगाया है मैंने, टाइप फाइल लिखा है, और ये सेट इमेज वाला मैंने यहाँ पे ऊपर जाके, यहाँ पे मैंने ये स्टेट वेरिएबल बना दिया है और मैंने यहाँ पे अपेंड कर लिया था बस। बाकी एपीआई का यूआरएल तो जो होगा वो आपको देना ही होगा। ठीक है, और बाकी सारे में क्या था, बाकी सारे में हम लोग करते हैं तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करते हैं टेक्स्ट बॉक्स वगैरह में, बट इसमें डॉट फाइल्स करके और ऐसे एरे बना के 0 इस तरीके से करना होता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये काम एडिट में भी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, एडिट वाला मेरा ये है, और क्योंकि एडिट में है ही नहीं, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे है ही नहीं, मुझे पता है मैंने बनाया नहीं, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। अच्छा हाँ, एडिट पे क्लिक करूँगा ना, ये देखो इमेज का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, बनाया नहीं है, अब मैं बनाने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, ये देखो बनाया। ठीक है, अभी एरर इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने इसके स्टेट वेरिएबल नहीं बनाया ना, तो इसका स्टेट वेरिएबल भी कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से एकदम, बस ये मैंने ऐसे लिया, कॉपी कर लिया, ये भी हो गया। चलो और क्या रह गया, अच्छा बट इसमें जेसन के थ्रू शायद प्रॉब्लम कर सकता है जाने में। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एपीआई में फॉर्म के थ्रू डाल रहे हैं, बात एपीआई की बात नहीं है, क्योंकि ये जो फाइल होती है ना उसके लिए फॉर्म का ज़रूरी होता है होना। ठीक है, ठीक है, बट अभी मुझे, चलो मैं इसको ऐसा करता हूँ, यही वाला कोडिंग उठा के लगा लेता हूँ पूरा का पूरा,
ये पूरा लगा लेता हूँ। और यहाँ पे क्या करता हूँ, ये एडिट वाला है ना, ये एडिट वाला, ओके ओके, ये एडिट वाला ही है, बट यहाँ पे करना होगा हमें, ठीक है। और इसको मुझे यहाँ लगाना होगा, इसकी एपीआई वैसे मैंने आपके सामने चेक करके दिखाई नहीं है, ठीक है, मैं हर बार बोलता हूँ एपीआई चेक करो। देखो ये तो हमें लगाना ही नहीं है, पासवर्ड का कॉलम मैंने दिया नहीं ना एपीआई के अंदर, तो ये तो मुझे वैसे भी हटाना नहीं है। और एक आईडी का कॉलम दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसकी एपीआई बना रखी है, दिखा भी देता हूँ आपको, यहाँ पे कहीं होगी, देखो ये रही एपीआई, ठीक है, ये देखिए पोस्ट, फिर मैं डालूँगा, इसमें टाइम लगेगा इसलिए मैंने सीधे दिखा दिया, देखो इस तरीके से, ठीक है, बाकी बिल्कुल ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, एपीआई रन करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ कि ये एपीआई का यूआरएल है, बट यहाँ पे मैंने पोस्ट मेथड ले रखा है, पुट मेथड नहीं लिया हुआ है, और ये सारी फील्ड्स हैं, तो इसमें ये पासवर्ड क्यों आ रहा है, मैंने, हो सकता है पासवर्ड एपीआई में मैंने पासवर्ड का ऑप्शन वैसे दिया नहीं जहाँ तक तो मुझे याद है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, तो चलो मैं एपीआई रन करके देख ही लेता हूँ, पता चला उसमें एरर आने लग जाए, इसमें चलता हूँ, ये अमित कुमार है ना, मैं अमित कुमार का फ़ोटो चेंज करता हूँ, मेरा फ़ोटो लगा आ रहा है, मैं अपना अमित कुमार में अपना नाम बदल देता हूँ, ठीक है, नेम, और फ़ोटो भी चेंज करता हूँ, तो ये, लेकिन मुझे अपनी आईडी पता होनी चाहिए, अमित कुमार के नाम से कौन सी आईडी है, यस 10th आईडी, आईडी नंबर 10, ठीक है। देखो मैंने फाइनली फिर से एपीआई रन कर लेते हैं ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई एपीआई प्रॉब्लम नहीं करेगी, चलो मैं अपना नाम अपडेट कर लेता हूँ, ठीक है, और फ़ोटो भी चेंज कर लेता हूँ, फ़ोटो मैं कोई और लगा लेता हूँ, फ़ोटो में ये लगा लेता हूँ भगवान वाली, देखो ये वाला मैंने रिकॉर्ड अपडेट कर रहा हूँ, जहाँ अमित कुमार लिखा पहला ही रिकॉर्ड है ना, अब मैं ऐसे क्या करता हूँ, सेंड करता हूँ, रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, और यहाँ पर रिफ्रेश करके देख लेता हूँ एक बार, यस इमेज भी चेंज हो गई, नाम भी चेंज, इसका अंदर एपीआई सही चल रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पर मेरा ये सब भी ओके हो चुका है, यहाँ पे पुट की जगह है हमें पोस्ट करना होगा, ठीक है, ये हो गया, अब हमें इसे बस चेक करना बाकी है, ये मेरी इमेज है, ये मेरा नाम है, इसे मैं चेंज करूँगा, एक तो मैं इमेज को चेंज करूँगा, ठीक है, ये डाल देता हूँ एसईओ वाली इमेज, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ शिशिर कुमार, शिशिर कुमार और एसईओ वाली इमेज आनी चाहिए, लिस्ट यूज़र करता हूँ, ये देखिए एसी वाली इमेज आ गई और शिशिर कुमार भी आ गया। तो आज के इस वीडियो में मैंने ये नया ऑप्शन ऐड कर दिया इमेज वाला, रजिस्टर में भी कर दिया और एडिट वाले में भी कर दिया, और साथ में हमने इमेज भी डिस्प्ले करा दी। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि कंप्लीट हो चुका है, और जो लोग मेरे चैनल में नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन है, अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलेंगे आपको, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कोशिश करिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो में फिनिश होता है, धन्यवाद, बाय बाय।